is sponsored by the Gurukulam Residential School, Delhi Public School, Daltonganj. Ab 2 rupees sasta diesel, Green India Bio Diesel, Jorkat, Fashion Mall, Singh Marble and Sanitation. शनिवार का दिन हादसों का दिन होता दिखाई पड़ रहा है। सुबह के महज 10 बजे हैं और अभी से 3 बड़ी घटनाएं सामने आ गई हैं। सबसे बड़ी घटना जब सुबह सवेरे आएगी, 2 ट्रकों में भिड़ंत हुई है। ओरिया में हुई जो भिड़ंत है वो ढाबे के समीप हुई है, जहां खड़ी मजदूरों से एक ट्रक को चूने से लदी ट्रक आकर के और जोरदार टक्कर मारी है, जिसके बाद दोनों ट्रक पलटी खा गए और बगल के गड्ढे में जा गिरे, जिसमें लगभग 2 दर्जन मजदूरों के मौत की खबरें आई हैं। वहीं लगभग 35 मजदूर घायल हैं, जिनका इलाज स्थानीय जिला अस्पताल एवं बाकी स्वास्थ्य केंद्रों में किया जा रहा है। इस घटना के बाद से जहां सरकार के लिए चिंता की बात है कि लगातार बिहार और झारखंड के श्रमिकों का आना जारी है, उस घटना में भी झारखंड और बिहार के श्रमिक शामिल हैं। अब धीरे धीरे खुलासे होंगे कि आखिरकार किन जिलों के या किन इलाकों के ये मजदूर थे। लेकिन सबके बीच में जो बड़ी खबर गढ़वा से आई है कि सोन नदी में 8 बच्चे के डूबने की खबर है, जिसमें अब तक 3 का शव मिल चुका है, लेकिन 5 की तलाश अब भी जारी है। स्थानीय गोताखोर सोन नदी किनारे जुटे हुए हैं सभी के शव निकालने में। ये खबर तब मिली है जब केतार के डुमरसोता घाट पर ये घटना घटी है, जहां 8 युवकों के बच्चों के कपड़े मिले हैं सोन नदी किनारे, जिसके बाद से गढ़वा के भवनाथपुर प्रखंड में स्थानीय गोताखोर के बाद अब विशेष तौर पे गोताखोर भेजे जा रहे हैं, ताकि उनकी जल्द से जल्द खोजबीन की जा सके आखिरकार कितने उसमें युवक डूबे हैं। लेकिन 8 युवक को डूबने की खबर है, सूचना मिली है, जिसके बाद पूरे गाँव में चित्कार मच गया है। लोग सोन नदी किनारे आने का भीड़ लगना शुरू हो चुका है, जिसको लेकर के लॉकडाउन को लेकर के एहतियातन अब प्रशासन के लिए भी बड़ी चुनौती साबित होगी। जहां भीड़ लगेगा तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पाएगा। वहीं उसके बाद से कहीं ना कहीं 3 बच्चों का शव बरामद हुआ है, वहीं 5 बच्चों का शव खोजने में अब भी गोताखोर लगे हुए हैं। ये गढ़वा से खबर आई है। वहीं पलामू के नौडीहा के नौगढ़ा में एक युवक का शव पेड़ से लटका हुआ बरामद हुआ है। संजय डोम नामक युवक की शिनाख्त हुई है शव की, और अब उसके जांच पड़ताल की जा रही है। पलामू पुलिस उसे कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेजी है और जाँच पड़ताल जारी है कि आखिरकार वो शव से लटकता हुआ शव जो बरामद हुआ है वो हत्या है या आत्महत्या है। तो इन सभी शुरुआती जो आज खबरें आई हैं वो कहीं ना कहीं बिल्कुल हादसे के रूप में हर किसी को सकते में डाल रखी है। इसके अलावा बड़ी खबर के रूप में अगर देखें तो कोरोना अपडेट में यही है कि लगातार श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का आवागमन जारी है। जी हाँ, श्रमिक स्पेशल ट्रेन का आवागमन जहाँ जारी है, वहीं आज फिर पलामू जिला मुख्यालय स्थित डाल्टन रेलवे स्टेशन पर पनवेल यानी कि महाराष्ट्र से 1600 श्रमिक स्पेशल ट्रेन से आए हैं, जिसमें पलामू के 180 एवं गढ़वा के 173 श्रमिक हैं। लेकिन इसके अलावा 30 जिलों के श्रमिक हैं जिन्हें बाजाबता वहीं पर स्टेशन पर सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करते हुए स्क्रीनिंग करते हुए बाहर निकाला गया, उन्हें पेयजल एवं नाश्ता दिया गया। उसके बाद उन्हें हवाई अड्डे से अस्थायी कैंप भेजा गया, जहां सैनिटाइज बसों से उन्हें गृह जिले और गृह प्रखंडों में भेजने की कवायद जिला प्रशासन की आमतौर पर जो हर दिन होती है वो जारी है। तो इन सभी खबरों के लिए बीच हम आपसे इतना ही अपील करेंगे कि आप अगर किसी तरह की समस्या होती है, अगर किसी तरह की अगर सामने अगर कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर कोई आपको खतरा दिखाई पड़ता है, तो आप सीधे हड़बड़ाएं नहीं, परेशान न हो, स्थानीय जनप्रतिनिधि को बता सकते हैं या फिर सीधे आप जिला कंट्रोल रूम यानी शिकायत कर सकते हैं 1950 टोल फ्री नंबर पर। इसके अलावा आप जिला शिकायत केंद्र के लिए आप जिला कंट्रोल रूम जिला नियंत्रण कक्ष में 0662-22-77 पर भी फोन कर सकते हैं, फोन कर शिकायत की जानकारी दे सकते हैं। तो घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सिर्फ देखते रहिए कैपिटल न्यूज, क्योंकि यही है पुख्ता खबर।